नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीम। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। वैसे तो ये नज्म मनोज मुंतशिर की है, लेकिन आज ये नज्म हम डेडिकेट करते हैं सेना के 18 मद्रास रेजिमेंट कैप्टन आशुतोष को। आशुतोष अपने साथी सैनिकों की जान बचाने और आतंकियों को मौत की घाट उतारते वक्त खुद की जान की परवाह नहीं की और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आज़ादी के मौके पर देश के बहादुर बेटे आशुतोष को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। सेना की 18 मद्रास रेजिडेंट के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अपने साथी सैनिकों की जान बचाने और आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। आशुतोष पिछले साल नवंबर में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान अपनी यूनिट की पलटन घातक का नेतृत्व कर रहे थे। नवंबर 2020 में कैप्टन आशुतोष कुमार की यूनिट 18 मद्रास रेजिमेंट को नियंत्रण रेखा के करीब जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात किया गया था। यूनिट के सैनिक नियंत्रित रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगे हुए थे। तब नियंत्रण रेखा अत्यधिक सक्रिय और अस्थिर बनी हुई थी। युद्ध विराम उल्लंघन कई बार और बिना किसी चेतावनी के होता था। कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में अग्रिम चौकियों को चलाने के अलावा कैप्टन आशुतोष कुमार की इकाई ने घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए भी अभियान चलाया हुआ था। कारण कि इसके AOR यानी एरिया ऑफ ऑपरेशन में सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना शामिल था। 8 नवंबर 2020 को LOC से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर घुसपैठ विरोधी बाधा प्रणाली के नजदीक BSF के गश्ती दल की ओर से लगभग 1 बजे घुसपैठ की एक ऐसी कोशिश की सूचना दी गई थी। जैसे ही गोलाबारी तेज हुई, 18 मद्रास के सैनिक घुसपैठियों से निपटने के लिए पहुंच गए और कैप्टन आशुतोष ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आतंकवाद के खात्मे के लिए हमारे जितने भी सैनिक देश के बॉर्डर पर तैनात हैं, उन्हें हर रोज तमाम तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इन मुश्किलों से गुजरते वक्त उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। ऐसे ही एक वीर सैनिक कैप्टन आशुतोष है, जो आज हमारे बीच तो नहीं, लेकिन हमारी यादों में आने वाले हर वक्त में रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। जय भारत, जय हिंदुस्तान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।